जैसे ही पूतना अपने परधाम को गई तो बड़े आश्चर्य की बात तो ये है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब पूतना की मृत्यु हुई तो उसके शरीर से सुगंधित निकलने लगी, सुगंधित जैसे मानो कहीं बड़ा है सुंदर सुगंधित वायु वनस्पतियों का ढेर लगा हो, इतना सुंदर सुगंधित आवाज निकलने लगी। और जैसे ही गिरते समय धड़ाम की आवाज की, जैसे लगा कि चंद्रमा टूट करके पृथ्वी पर आके गिर गया, घनघोर आवाज किया, और जैसे ही पूतना गिरी और आवाज किया तैसे ही मैया लल्ला रोहिणी सब इकट्ठा हो गई। अरे बालक क्या हुआ क्या हुआ, सबने भागते हुए दौड़ते हुए देखा कि लल्ला को क्या हुआ, तो देख रहे हैं बालक खेल रहे हैं, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना बड़ा पूतना बालक हाथी नहीं जैसे राक्षसी के ऊपर भगवान खेल रहे, लल्ला खेल रहा, और महाराज उसका शरीर इतना लंबा बताया गया कि उसका मुख जैसे पहाड़ लग रहा था कि पहाड़ में हम प्रवेश करें, मुख इतना बड़ा था, और कान जैसे कंदरा लग रहे थे कि कंदरा में प्रवेश कर रहे, और अस्तन जैसे शिला लग रहा था पत्थर, और पेट जैसे कुआं लग रहा था, और जंघा जैसे नदी की धारा बह रही थी, और हाथ पैर तो जैसे पुल बंधे हमारा जी, इतना लंबी चौड़ी शरीर उतना के। और जब ये देखे तो मैया तुरंत घबरा के गई, लल्ला को लेकर के आई और पंचकव्य से स्नान कराया, पंचकव्य गाय का दूध, गाय का दही और गाय का मूत्र, गोबर और गोमय से स्नान कराया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवा, स्वस्ति न